हर परिवार वाले ये आशा करते हैं कि लड़के की शादी में दान दहेज मिलेगा, बहू आएगी तो घर का काम काज करेगी, बच्चों का लालन पालन करेगी, पर आज की नौजवान लड़कियां इस सब के साथ साथ और भी कुछ करना चाहती हैं। सुना है तुम्हारी बहू पढ़ी लिखी मास्टर नहीं है? हाँ है तो। हाय राम, बहू आपकी सेवा करेगी या आप बहू बेटों की चाकरी करेंगी? और तो और, लड़की ने तो यहाँ तक कह दिया था कि दहेज देने वाले से ब्याह नहीं करने की। बहनों संभल कर रहना, ये पढ़ी लिखी लड़कियाँ आज तो दिल्ली पार कर रही, कल को तो चौका चूल्हा भी अलग करके बैठेंगे अपना। हाँ जो भाग में होगा वो भोगेंगे। तो इस घर में कोई सुने ना है, घर में कोई काम की कमी थोड़ी है जो बहू बाहर जाके काम करने की जरूरत पड़े। नुई बेकार में क्यों बड़बड़ करे जा रही है? मैं तो कहता हूं इब तू शांति से बैठ माला जब बस। मैं जरा खेत पे जा रही हूं। लाइए माँ जी, मुझे दे दीजिए, हो गया। राम राम बहना। राम राम सत्तोगी माँ, आओ। आज कैसे सवेरे सवेरे मुँह लटका बैठी बहन? पान लागी चाची? साईं जी तारे स्वागन रे, भगवान थारी जोड़ी बनाए। आओ बैठ। क्या बताऊं सत्तोगी माँ, आजकल के बच्चे तो अपने माँ बाप की कुछ सुने ही ना। अरे क्या हुआ? बहू को ही देखो, नौकरी की जिद करे पकड़ी है। यूँ क्या, नौकरी भी करूंगी और बुढ़ापे में तुम्हें तकलीफ नहीं होने दूंगी, पर स्कूल तो जाऊंगी। तुम तो बहुत भगवान है जो तुम्हें ऐसी काम काजी बहू मिली। तुम ऐसी क्या जिद पकड़े जा रही है? लो चाची, सुबह की ताजी है। सारा घर का काम काज निपटा लिया? हाँ चाची, स्कूल जो जाना है सो सुबह ही जल्दी उठ के सब निपटा लेती हूँ, वरना माँ को पीछे से हैरानी होगी। एक बात कहूं बहन, तुम्हारी बहू तो बहुत फुर्तीली है, मेरी बहू तो दोनों रात के बर्तन मांज रही। अच्छा माँ, स्कूल जाओ। अच्छा चाची, माँ तुम थोड़ा लेट लेना, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी।
तुम्हारी बहू तो सुलक्षणी है। सो तो ठीक है सत्तो की माँ, पर तुम्हारी बहू ने तो दान दहेज से सारा घर भर दिया। अब मेरी तो कसम ले लो जो एक टुट्टी खाट भी लाई हो। अरे अब तो उस बेचारी का पीछा छोड़, ये भी सोच कि महाजन का कर्ज किक्कर उतरेगा। वो ससुरा तो जमीन कुरक कराने की धमकी दे रहा। वही तो मैं कहूँ जी, अजी बहू कुछ ले दे के आती तो आज ही मुसीबत क्यों पड़ती। ते बार बार उसी के पीछे क्यों पड़ी जा रही। मैंने कह तो दिया कि मुझे पढ़ी लिखी लड़की चाहिए थी, दहेज वाली नहीं। भाई मारी समझ में तो एक ही बात आवे, इब के ई कर्जा तो तेरी माँ के गहने बेच के उतार दे। क्या कहो? तो जब जब फसल आगी तो गहने फिर बन जाएंगे। मेरे गहने बेच दोगे? शर्म तो नहीं आती? कह देती हूँ मेरे भरोसे मत रहना, मेरी जान भले ही चली जाए पर अपनी चांदी को हाथ नहीं लगाने देंगी। क्या बात है माँ? अरे कुछ नहीं बहू, छुटकी के ब्याह पे 3,000 का कर्जा लिया था, वही कर्जा 4 दिन में चुकाना है। और महाजन है कुर्की की धमकी दे रहा है, माँ है कि अपने गहने ही नहीं देती। पर तू चिंता ना कर बेटी, तू दिन भर की थकी आ रही आई है, जा आराम कर। जी अच्छा। सुनिए क्या बात है? पता नहीं माँ और बापू बाहर बैठे हैं। सुनिए तो, अभी से पहले मैं अपनी आधी तनख्वाह बैंक में जमा करती थी, उसे ही निकाल के महाजन का कर्ज चुका दी। नहीं नहीं, ये तुम्हारे रुपए हैं, तुम ही तो कहती थी तुम्हारा दहेज तुम्हारी शिक्षा है, रुपया पैसा नहीं। हाँ वो तो आज भी कहती हूँ, पर शिक्षा ने मुझे सिखाया कि घर में सुख दुख साझा होता है, मेरा तेरा नहीं। अच्छा, फसल आते ही तुम्हारे पैसे बैंक में वापिस जमा करवा दूंगा। तुमने सिर्फ पढ़ा लिखा ही नहीं, गुना भी है। आमतौर से लोगों का कहना होता है कि पढ़ी लिखी बहू लाएंगे तो बेटे को माँ बाप से अलग कर देगी, पर आपने देखा कि ये बहू घर में काम करती है, बाहर काम करती है, और जब परिवार के सामने समस्या खड़ी हो गई तो कितनी आसानी से उसने उसका हल भी ढूंढ लिया। ये तो एक महिला थी और एक परिवार की समस्या थी, पर यहाँ की इन बहनों ने न केवल अपने परिवार की पर पूरे इलाके की समस्या के बारे में सोचा। यहाँ बरसात कम हो गई, लकड़ी की कमी पड़ती थी जिसे वो जलाने के लिए, घर बनाने के लिए और हर काम में लेती थी। इनने इसके बारे में सोचा और यहाँ इस छोटे से महिला मंडल ने मिलकर इतने पौधे तैयार किए कि आसपास के इलाके में लोगों ने यहाँ से पौधे ले जाना और अधिक से अधिक पेड़ लगाकर यहाँ के वातावरण को बनाए रखने की कोशिश की। सामूहिक और ग्राम सभा की जमीन पर पेड़ लगाने के लिए सरकार का सोशल फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट मुफ्त या कम दामों पर पौध भी देता है। पेड़ लगाए ना तो उसका फायदा क्या है? फायदा? हाँ। जलन होता है, परत झोपड़ी होती है, अपनी छाई भी होती है, बरसात भी आता है इसके अंदर, पौष रोक ले जाता है ना। हाँ। पेड़ होने से बरसात अच्छी होती है। हाँ। झाड़ खेत में हो तो अच्छा दिखता है। अच्छा। और क्या काम आता है? अनमोल लकड़ा सबको चूल्हे पर लगता है। हाँ। मानुष मरे तो उसको लगता है। ऐसी झोपड़ी बनाती है, कोई अलग लकड़े से काम होता नहीं है, घर बनाने के लिए लकड़ी, जलाने के लिए ईंधन और इलाके में अच्छी बरसात हो, इस सब के लिए पेड़ लगाना जरूरी है। पेड़ों के महत्व को ये औरतें खूब अच्छी तरह समझती हैं, और अगर इनसे कोई ये पेड़ छीनना चाहे तो ये संघर्ष तो करेंगी ही। गढ़वाल की इन औरतों ने अपना पूरे जीवन ही इस संघर्ष में बिताया है।
सिर्फ पेड़ ही नहीं, चारा, घास, पानी, सभी का महत्व ये औरतें खूब समझती हैं। ये भी समझती हैं कि जंगलों में ये सब खूब मिलते हैं, इसलिए अगर किसी दिन उनके जंगलों से कुल्हाड़ियों की आवाज आए, और ठेकेदार के आदमी पेड़ काटते दिखे, तो ये औरतें चुप नहीं रहती। चुप भाग का कोई नहीं। विजय की निशानी मानकर औरतें पेड़ों को राखी बांधती, एक दूसरे के माथे पे टीके लगाती। ये लड़ाई औरतें व्यवस्थित और संगठित रूप से करती। ये सभी महिलाएं अपने गांव के महिला मंडल की सदस्य हैं। महिला मंडल में अपनी मुसीबतों की चर्चा करती और उनसे लड़ने के तरीके सोचती। जंगल बचाने की कोशिश करी तुम लोगों जनानों ने कुछ करी चलता वहां का नहीं करी करे अटियन तक रोकी गोली डाय ना काटा मौवे करा उठी बांध की डाली कापू की डाली सुंदर ना बोली बांध ना काटा बोली के ना नहीं ये नहीं बचाए ना प्रमाण की बोली ना काटा एकदम मैं याद छ कि आप लोग जनाना सब के था ना बहुत दल बादल अच्छा राखड़ी बांधे डाले पर हां नहीं बांधे कफन बांधे हो एक उठ उठ तक बाहर जंगल में ताकि बोलते हैं डाल ना काटा बोली था ये संजावाई करा। तो जंगल कटने से क्या परेशानी आती है? परेशानी तो बहुत कुछ आती है जंगल कटने से। परेशानी ऐसे आते हैं कि हमारे कहाँ से हमारे पास घास कहाँ है। जब जंगल कट गया तो पानी भी सूख गया, उसकी जड़ खत्म हो गई स्रोत के हाँ। तो पानी भी नहीं मिलेगा जंगल में, घास भी नहीं मिलेगा, छाया भी नहीं मिलेगी, खाली जंगल से पड़े हैं। तो अगर जंगल हो गए तो कहीं पशु चरते हैं, कहीं छाया मिलती है, कहीं पानी पीते हैं जंगल में। तो अब जैसा ऐसा हो गया तो कहाँ से भूखा सूखे कहाँ से जाए। लेकिन पहाड़ी जीवन है ही कठोर। इन औरतों के लिए लड़ाई और रोज के काम काज साथ ही साथ चलते। संघर्ष तो इन औरतों की दिनचर्या ही है। सुबह सुबह दिन शुरू हो जाता, फिर पानी, लकड़ी, चारा, खेती, इसी में ही गुजरता। आप
अपनी बासों में बोल रही हैं आप सुन आप सुन लेकिन आदमी उन्हें काम से क्या मतलब। औरतें खेतों में नजर आती, आदमी चाय की दुकान में। औरतें गुड़ाई करती रहती, आदमी शराब और जुए में मस्त रहते। लेकिन औरतों ने इसका भी संघर्ष किया। आपके आदमी क्या काम करते हैं? ग्राम विकास अधिकारी थे, किसी कारण से ये नए नगर ब्लॉक में जा रखे थे। अच्छा। पैदल का मार्ग चलता है हमारे यहाँ, ये इसी साइड में चलता है पैदल का मार्ग। हाँ। उसी रास्ते जा रहे थे। हाँ। के पता कारण किसी ने शराब शराब पिलाई, क्या किया उसका, क्या नहीं किया। सुबह को गया, शाम को उसकी मृत्यु हो गई। उधर वो शराब वैसे पीते थे? शराब वैसे पीते तो थे। हाँ। यहाँ आपके इस गांव में रानी चौरा में भी ऐसे शराबबंदी पे कुछ आंदोलन वगैरह हुआ है? होता रहता है आंदोलन। कैसे औरतें कैसे मिलकर रोकथाम लगाती हैं? बहुत सारे औरतें इकट्ठे हो जाते हैं। क्या कर रहे हैं भाई तुम? तो शराब रखने भी दूर दूर के गांव से आए शराब बेचने वालों को भी इन औरतों का सामना करना पड़ा। शराब की मुसीबत भी संगठित होकर औरतों ने लड़ी। पानी भी एक समस्या है इन औरतों के लिए। कोई ठीक पानी का स्रोत नहीं, दूर दूर से पानी सिर पे ढो के लाती हैं। पानी की भी समस्या के लिए आप लोगों ने आंदोलन किया? जब ये पानी ऊपर यहाँ जब उसके पंत नगर में गए तो हम सब लोग ढोल बाजने सहित उसमें आए। हम जल निगम के उसमें हमने कहा हमको पानी दो। जल निगम पर दबाव डालकर ये औरतें अपने गांव में पानी भी ले आईं। तो आपने जंगलों को कटने से रोका? रोका। शराब पीने वालों से रोका। जुआ खेलने से रोका, है ना? और बकरी वालों को भी रोका। तो यहाँ की सब महिलाओं ने मिलके, बहनों ने मिलके काफी आंदोलन किया। पेड़, शराब या पानी, हर संघर्ष से औरतों ने एकता का महत्व सीखा। इस सीख के कारण वे महिला मंडल में बराबर भाग लेती। यहाँ तक कि घास काटने भी जाती तो महिला मंडल लगाती। जब तक महिला रहेंगी तब तक महिला मंडल खत्म नहीं होगा। हम जहाँ घास के लिए भी जाएंगे तो वहाँ हमारा महिला मंडल रहेगा। उधर जंगल में बैठ जाओ, जंगल में भी जाएंगे तो महिला मंडल तो होगा ही। आप खत्म कैसे कर सकते? मैंने कहा शादी करना बंद कर दो तब महिला मंडल खत्म होगा। कौन पाठ पढ़िए